ये जो कहा गया इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे दुख ये है कि वहाँ पर ममता जी ने कहा और यहाँ पर विश्लेषक जो आपने बुलाए उन्होंने सिंगा राय साहब ने क्या कहा कि धूल चटा देंगे, कान पकड़ के सिखा देंगे, ये भाषा को जस्टिफाइड कर रहे हैं। पूरी तरह मुख्यमंत्री के मुख पे ये शोभा नहीं देता कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा बोले। दूसरी बात, उम्र में वो छोटी हैं, ये भी शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की भाषा नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़े भाई के तौर पर भी बोले। होता क्या है, गाली गलौज कब आता है? कमज़ोर आदमी जब हार जाता है, थक जाता है, तो मुंह पे गाली गलौज आ जाता है। आज टीएमसी के नेता की जबान फिसल रही है, वाणी संयम टूट रहा है, गाली गलौज पे आ गए हैं। कोई भी मजबूत आदमी गाली गलौज नहीं पे आता, ये कमज़ोर लोग हैं, ये जान गए हैं। शाहनवाज साहब, अब इसका दूसरा पहलू देखिए, जाने आपने वाली ये बात कही और ये बात 100% सही है, भाषा का संयम तोड़ रहे हैं जी, सही है शाहनवाज हुसैन साहब। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप अगर संदर्भों में देखें तो कहने की कोशिश ये की गई कि लोग भाषा का इस्तेमाल करके उस जगह के लोगों से कुर्बत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री या देश का कोई नेता ऐसा करता भी है तो उसमें समस्या क्या है? बंगाल की भाषा, बांग्ला क्या किसी की बपौती हो गई है? दिनेश गौतम जी, आप एक बात के गवाह हैं। मैं दो दिन कबल टीवी नाइन भारतवर्ष के कलकत्ता में कॉन्क्लेव में था और मेरे बगल में जो बैठे हुए थे टीएमसी के नेता, वो बंगला में जवाब दे रहे थे और मेरे से सवाल कर रहे थे, और एक आपके रिपोर्टर और थे बंगला में पूछ रहे थे। मैं बिहारी हूँ लेकिन मैं जितना बंगला समझता हूँ मैंने समझ के आपके सामने जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मुझसे हिंदी में पूछो तो जवाब देंगे। बिल्कुल, आप गवाह हैं, आप सामने बैठे थे, मेरी निगाहें आपको देख रही थी। बिल्कुल, आपका वो सेशन शुरू हुआ था जब हम आए थे। तो हमें बंगला से भी सम्मान है, हमें हिंदी से भी सम्मान है। मैं मैथिल हूँ, मिथिला भाषा हम घर में मैथिली बोलते हैं, हमें मैथिली से भी सम्मान है, भोजपुरी से भी है। भाषा पर विवाद क्यों कर रही ममता जी? बिल्कुल, क्योंकि वो डर रही हैं कि बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी से प्यार क्यों कर रही है। अरे नरेंद्र मोदी गुजरात के ही नहीं है, नरेंद्र मोदी बनारस जहां बढ़िया हिंदी बोली जाती है। दीदी, ये महत्वपूर्ण बात आपने सही शाहनवाज हुसैन कही है। बनारस आपने अपना जब उदाहरण दिया तो मुझको एक और उदाहरण याद आ गया। सांसद हैं शाहनवाज हुसैन साहब, आपने ये बात सही है कि आपने उधर से सवाल सुना जो बंगाली में था, आपने उसको समझा और जवाब दिया। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।